हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं नसों की कमजोरी और उसके दर्द को दूर करने के 3 तरीके, जिसका असर आपको 7 दिन में दिखने लगेगा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि अगर आपकी लंबे समय से नसों में कमजोरी है, नसों की कमजोरी का पता कैसे चलता है। अगर हमारी नसें दर्द करती हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी नसों में कमजोरी है। हम सोकर उठते हैं यानी रेस्ट करके उठते हैं तब भी हमारी नसें दर्द कर रही हैं, टांगों में ऐंठन है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी नसें कमजोर हैं। जिनकी भी नसें कमजोर हैं या फिर दर्द लंबे समय से कर रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। अगर आप भी इस समस्या का हल दवाइयों से कर रहे हैं तो आप कितना टाइम लंबे दवाई लेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी किडनियों को खराब कर रही है। ज्यादा टेंशन में रहने, अनहेल्दी फूड खाने और फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करने और मोटापे की वजह से नसों में कमजोरी आ जाती है। इससे बचने के लिए सिर्फ 3 तरीके जिनका असर आपको 7 दिन में दिखेगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इलाज से पहले आपको एक काम जरूर करना है, वो क्या है, आपकी बॉडी में जितनी भी स्वेलिंग आई है नसों में दर्द के कारण, उसको दूर करना होगा। क्योंकि कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी इलाज तब तक काम नहीं करेगा जब तक नसों की स्वेलिंग दूर नहीं होगी, बॉडी की स्वेलिंग दूर नहीं होगी। तो इसके लिए आपको सुबह उठकर खाली पेट मेथी वाला पानी पीना चाहिए। रात को आप एक चम्मच मेथी एक गिलास पानी में भिगो दीजिए और सुबह इस पानी को पी लीजिए। गर्मियां हैं, आप सिर्फ पानी पीजिएगा, और जब सर्दियां आ जाए तब आप इसका मेथी भी खा सकते हैं। ये हमारी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को दूर करने का काम करती है। तो अब जानते हैं नसों की कमजोरी के लक्षण क्या है, यानी हमें कैसे पता चलता है कि हमारी नसें कमजोर हो चुकी हैं। सबसे पहला काम, मेमोरी कम होने लगती है, यानी कि सोचने समझने की क्षमता कम होने लगती है। नसों की कमजोरी से मेमोरी कम हो जाती है, जिसका असर सीधा हमारी ब्रेन पर पड़ता है। चक्कर आने लगते हैं, नसों में कमजोरी आने पर सिर दर्द होने लगता है। ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है तब धीरे धीरे चक्कर आने लगते हैं और आंखों के आगे अंधेरा भी आ जाता है। नसों की कमजोरी का सीधा असर हमारे पेट पर होता है। पेट से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम होती है, आंतों में इन्फेक्शन होना या फिर पेट में दर्द होना, डाइजेशन की प्रॉब्लम होनी, ये चीज फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा सारा दिन बहुत ज्यादा कमजोरी फील होती है, सारा दिन थकान फील होती है। इस वजह से आपका ब्लड का सर्कुलेशन भी अप एंड डाउन होता है, यानी कभी तो बीपी बढ़ जाता है तो कभी बीपी कम हो जाता है। इसके अलावा खून की कमी रहने लगती है। जब नसें कमजोर हो जाती हैं, बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, यानी एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इलाज जानने से पहले आपको ये जान लेना भी जरूरी है कि आखिर नसों की कमजोरी हमारी बॉडी में किन कारणों से, किन रीजन। वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक जरूर करें। आपकी एक लाइक से मेरा मोटिवेशन अप होता है। अगर आप ऐसे ही हेल्थ से संबंधित और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इसी वीडियो को पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट myfitnessbeauty.com पर जाकर इस वीडियो को पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत सारे लोग पतले होने के लिए अपनी डाइट को बहुत कम कर देते हैं और एक्सरसाइज को बहुत बढ़ा देते हैं, जिस कारण उनके अंदर स्टेमिना और ताकत जीरो रह जाती है और रोजाना जो मांसपेशियां डैमेज होती हैं वो रिपेयर नहीं हो पाती, क्योंकि वो बहुत कम डाइट ले रहे हैं और जो डाइट ले रहे हैं उनमें से पोषक तत्व उनकी बॉडी को नहीं मिल रहे। इसके अलावा बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत खाते हैं लेकिन उनमें पोषक तत्वों वाली डाइट बिल्कुल नहीं होती। सारा जो भी खा रहे हैं वो आलतू फालतू खा रहे हैं, मैदे वाली चीज़ें खा रहे हैं। मैदे वाली चीजें हमारे अंदर जाकर क्या काम करती हैं? आप जब मैदे वाली चीजें ज्यादा खाते हैं तो वो मैदा आपकी आंतों के साथ जाकर चिपक जाता है, जिसके कारण आंतों का इन्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद आप जितनी भी अच्छी डाइट लेते हैं वो आपकी बॉडी को नहीं लग पाती। इसके अलावा बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत कम पानी पीते हैं और सारा दिन बैठ कर काम करते रहते हैं। ये कुछ रीजन है जिनके कारण नसों की कमजोरी होती है और नसों में दर्द होता है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ 3 ऐसे तरीके जिनसे आप इन दर्द को और इस कमजोरी को दूर कर सकते हैं। तो पहला तरीका है अंजीर। अंजीर में ऐसी ताकत है जो हमारी नसों को कमजोरी से बचाती है और उनमें एनर्जी भरती है, स्टेमिना लाती है उनमें। तो आपने क्या करना है, 2 अंजीर लेनी है और आपने 1 चम्मच सौंफ लेनी है। सौंफ जो है हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को दूर करके ताकत भरती है, यानी कमजोरी को, नसों की को दूर करती है। और 1 गिलास आपने दूध लेना है, 1 गिलास दूध में भिगो कर रख देना है रात को, और सुबह आपने अंजीर भी खा लेनी है और सौंफ वाला दूध भी पी लेना है। आप चाहें तो सौंफ वाले दूध को बाद में गर्म कर सकते हैं लेकिन अंजीर को गर्म नहीं करें। यह है पहला तरीका जो नसों की कमजोरी को दूर करता है और इसका असर आपको 7 ही दिन में मिल जाएगा। मैं आपको 3 तरीके बताऊंगी लेकिन आपने इनमें से 1 ही तरीके को फॉलो करना है। तो सबसे बेस्ट तरीका था आपने अंजीर और सौंफ का यूज करना है। अगर आप इसी वीडियो को पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट myfitnessbeauty.com पर जाकर
इस वीडियो को पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेकंड जो है वो भी बहुत कारगर है। आपने क्या करना है, आपने एक गिलास दूध लेना है, उसमें 5 से 7 मुनक्के भिगो देने हैं और रात को ढककर रख देने हैं। सुबह आपने इस मुनक्के वाले दूध को पी लेना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो दूध पीना पसंद नहीं करते, वो पानी में भी मुनक्के भिगो कर रख सकते हैं, जिससे नसों की कमजोरी दूर होती है। तीसरा और एंड में है, आपने क्या करना है, 7 बादाम लेने हैं, 2 अंजीर लेनी है, 5 से 7 आपने किशमिश लेनी है। रात को आपको इसको पानी में भिगो कर रख देना है और सुबह इन तीनों चीज़ों को खा लेना है। अब मैंने आपको 3 ऐसे तरीके बता दिए, लेकिन आपको सबसे बेस्ट तरीका बता दूं तो सबसे बेस्ट तरीका है, आप दूध के अंदर अंजीर और सौंफ को भिगो कर रात में रखें और सुबह इसका सेवन करें, जो नसों की कमजोरी को दूर करता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एक और बहुत ही खास चीज़, वो क्या है, नसों की कमजोरी को दूर करने के लिए आपको और क्या खाना चाहिए। हमारी बॉडी में विटामिन डी और विटामिन B12 पूरा होना बहुत ज़रूरी है, अगर हम चाहते हैं हमारी नसें, जितनी भी नसें रोज की रोज डैमेज होती हैं, उनकी मरम्मत होती रहे। अगर हमारी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है तो हमारे हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं, सोने लगते हैं, दर्द होने लगते हैं। विटामिन B12 की कमी का सबसे पहला असर और सबसे ज्यादा असर हमारी बॉडी में हमारी टांगों पर होता है। टांगों में गतिशीलता और उनके संवेदनशीलता बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा याददाश्त कम होने लगती है। इस विटामिन की कमी से नर्व पेन रहने लगती है, यानी नसों में रेगुलर दर्द रहने लगता है। तो आपने विटामिन B12 की कमी पूरी करने के लिए आपने क्या करना है, जो वेजिटेरियन लोग हैं वो दूध और दूध से बनी जितनी भी चीज़ें आती हैं, दूध, दही, चीज़, पनीर, इनका सेवन करें। इसके अलावा आलमंड यानी बादाम का सेवन करें। आप दूध के अंदर बादाम डालकर भी ले सकते हैं। और जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो फिश यानी मछली का सेवन करें, चिकन लें, एग लें और रेड मीट का सेवन करें। ये नहीं है कि ये चारों चीज़ें विटामिन B12 को पूरा करती हैं तो इसलिए आप इसको भरपूर ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, नहीं। अगर आप रेड मीट और चिकन का सेवन ज़्यादा करते हैं तो ये यूरिक एसिड को पैदा करता है, तो इसीलिए आपको सिर्फ मेडिसिन के तौर पर यानी कि बॉडी में सिर्फ विटामिन B12 को पूरा करने के लिए लेना है, ना कि आप इसको एक्सेस मात्रा में लें। इसके अलावा विटामिन डी को पूरा करने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, तो विटामिन डी को पूरा करने के लिए बहुत आसान और सबसे सस्ती चीज़ है सुबह की 15 से 20 मिनट की धूप। इसके अलावा आप अपनी डाइट के अंदर हफ्ते में 2 दिन मशरूम का सेवन करें। मशरूम में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन डी होता है, जो बॉडी में विटामिन डी की कमी को नहीं होने देगा। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम नसों की कमजोरी को कैसे दूर कर सकते हैं, उनके दर्द को कैसे दूर कर सकते हैं, कौन से ऐसे 3 तरीके हैं जो कि 7 ही दिन में असर दिखा देंगे, और इसके साथ इसके कारण क्या है और लक्षण क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अपने सवालों के थ्रू जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।